तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत के साथ। फिलहाल मॉर्निंग हो चुकी है और टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। फिलहाल तो ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए जल्दी उठ नहीं पाए। थकान काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। रात में बिजली चली गई थी तो उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। तो फिलहाल अभी उठ चुके हैं और हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। फिलहाल काफ़ी धूप निकली हुई है तो चलिए फिलहाल बाहर चलते हैं। फिलहाल ये है मॉर्निंग का व्यू भाई। फिलहाल आज काफ़ी दिनों के बाद धूप देखने को मिल रही है। फिलहाल थोड़े थोड़े अभी भी बादल है और रात में भी काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज हुआ था। तो फिलहाल अभी भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। फिलहाल आज देखते हैं कैसा मौसम रहेगा। आपको सामने दिखाने की कोशिश करूं तो भाई फ़िलहाल उस साइड जो बर्फ़ है वो काफ़ी ज़्यादा पिघल चुकी है। फ़िलहाल ऊपर ऊपर रह चुकी है। तो आपको एक और चीज़ दिखाता हूं, ये देख सकते हैं भाई टैंकी और बर्फ़ जो है वो पूरी की पूरी जम चुकी है इसमें, ये देख सकते हैं। और ये तो फ्रेंड ने सुबह हिला दी थी। अभी आपको एक और जगह दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं कैसे सिल्ली परत जमी हुई है भाई। बर्फ़ जम गई है पूरी रात में। आज हम आपको कुछ अलग सा दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं और पानी जो है आप देख सकते हैं, पानी तो फिलहाल थोड़ा बहुत जम रहा था लेकिन अब तो है काफ़ी ज़्यादा जमना शुरू हो चुका है इसमें देख सकते हैं। और फिलहाल मैं कुछ आपको अलग सी चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े सुखाए थे तो आप देख सकते हैं कपड़ों के हालात जो है वो क्या है, बिल्कुल बिल्कुल जम चुके हैं भाई। अंदर से ये देख सकते हैं बिल्कुल स्टैंड हो रहे हैं भाई, क्या करें, कपड़ों के भी हालात ऐसे हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी पूरे का पूरा जम चुके हैं अंदर से, ये देख सकते हैं। जैसे हम झंडा वगैरह गाड़ने के लिए डंडा रखते हैं ना, वैसे बिल्कुल स्ट्रेट हैं भाई। ये देखिए आज रात में ऐसा मौसम रहा भाई, कपड़े भी जम चुके हैं। पहले फिलहाल सूख चुके थे लेकिन हमने यहाँ पे रहने दिए, लेकिन अभी जो है वो ये देख सकते हैं इनके अंदर हम आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं अंदर की साइड कैसे बर्फ़ जमी हुई है, जैसे फ्रिज में होती है भाई। थोड़ी देर हम इसे धूप वगैरह लगने देंगे, उसके बाद ये क्लियर हो जाएंगे पहनने के लिए। तो फिलहाल इनको छोड़ देते हैं यहीं पर। तो अभी भाई हम दुकान खोलने के लिए जा रहे हैं, चाबी हमारे पास में है और भाई अभी करा रेस्ट, बोला थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर आते हैं। तो मैं अभी शटर खोलता हूँ। शॉप के बाहर आज फिर से देख सकते हैं महफिल जो है वो जमी हुई है और आग वगैरह जला के सेक रहे हैं भाई। ठंड ज़्यादा है तो क्या करें, फिलहाल हम शॉप को ओपन कर लेते हैं। फिलहाल हम दुकान खोलने आए हैं। अभी भाई नीचे आराम कर रहा है थोड़ी देर, तो हमने बोला तब तक हम दुकान वगैरह को ओपन करके बाइक वगैरह को बाहर निकाल देते हैं। फिलहाल उतना काम हो जाएगा और वो फिलहाल तब तक रेडी हो जाएंगे। तो फिलहाल दुकान हमने लगभग खोल दी है, अभी इसको हम खोलते हैं और फिर बाइक को निकालते हैं बाहर, क्योंकि सबसे मेन काम वही है। ये है अंदर हमारी बाइक खड़ी, इसे हम अभी निकालेंगे बाहर, क्योंकि अकेले निकालना वैसे काफ़ी मुश्किल होता है। फिलहाल निकालना तो रहेगा, तो हमने बाइक दोनों की दोनों बाहर निकाल दी हैं। ये रही मेरी बाइक और वो रही बाइक की बाइक। तो अभी बाइक बाहर आ चुकी हैं और थोड़ी देर हम सेक लेते हैं भाई, हाथ जो है वो काफ़ी ठंडे हो चुके हैं, तो थोड़ा सा हम इसकी गर्मैश वगैरह ले लेते हैं आग की। ये है ऊपर रोड साइड का मौसम। फिलहाल बर्फ़ जो है काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। साइडों में आपको काफ़ी देखने को मिलेगी, गाड़ियां हैं थोड़ी बहुत जा रही हैं और धूप वगैरह निकली है।
बाइक के साथ आया था मैं कुछ सामान लेने के लिए, तो इसीलिए काफ़ी अंधेरा हमें हो चुका है और हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है फ़िलहाल। रोड जो है उस पर बर्फ़ वगैरह जमी हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो स्लिप करने का डर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। फ़िलहाल हम आए थे जब उस वक्त दिन था, अभी अंधेरा काफ़ी हो चुका है क्योंकि सामान लेने के लिए हमें काफ़ी दूर आना पड़ा था। तो फ़िलहाल हम आपको रास्ते में बर्फ़ वगैरह दिखाएंगे कैसे कि यहाँ पे कितनी बर्फ़ जमी हुई है भाई, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है ये देख सकते हैं। काफ़ी रिस्क है भाई निकलने का, कैसे निकलेंगे कैसे नहीं। फ़िलहाल बाइक लेके आ तो चुके हैं लेकिन जाना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। फ़िलहाल हमने रोड दिन में देख लिया था, रिस्क तो भाई रिस्क है क्योंकि बर्फ़ पे स्लिप होने का डर जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है और आपको पता ही है बाइक चलाना तो भाई कोई आम खेल है नहीं है भाई। तो फ़िलहाल हमें पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, फ़िलहाल 1 घंटे के करीब, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी देखते हैं अंधेरे में ज़्यादा टाइम लग जाता है, अभी कितनी देर में पहुंचते हैं। तो आपको रोड हम दिखाते रहेंगे, यहाँ पे साइडों में काफ़ी जगह पे बर्फ़ है भाई, बर्फ़ में चल पाना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपने देखा कि कितनी बर्फ़ है। फ़िलहाल रोड काफ़ी क्लियर हुए हैं लेकिन फिर भी अभी वो बात नहीं है, जब तक क्लियर रोड क्लियर प्रॉपर हो नहीं जाते तब तक चल पाना काफ़ी रिस्क। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं भाई अंधेरे में चल पाना को काफ़ी रिस्की भरा रहता है ऐसे। अरे भाई ये क्या था, जानवरों वगैरह का डर और गाय भैंस वगैरह ऐसा इनका डर सबसे ज़्यादा रहता है। एकदम आगे तो भाई उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन अपने हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। अभी हमने काफ़ी सफ़र कर लिया है, अभी थोड़ा सा सफ़र बाकी है लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी अभी टाइम लगेगा भाई। एक तो सुनसान एरिया है और बर्फ़ है, उसकी वजह से ये जो है वो काफ़ी डेंजरस रोड बन जाता है, डेंजरस राइड बन जाती है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है भाई, दिन होता तो काफ़ी संभलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश आदमी कर लेता है लेकिन अंधेरे में काफ़ी ज़्यादा डर भी रहता है क्योंकि गिरने के चांस हुआ है वो सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चोट वगैरह लगने का डर रहते हैं। और ठंड में हालत क्या होती है, आप में से कोई भी ऐसा है नहीं जिसको नहीं पता होगा इसके बारे में कि ठंड में हालात जो है वो क्या हो जाते हैं। भाई ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी गाय वगैरह घूम रही हैं जो कि आवारा हैं, इनका डर जो है वह सबसे ज़्यादा रहता है भाई। इन पे ना कोई लाइट है ना कोई इंडिकेटर है और अंधेरे में देख पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो फ़िलहाल हम पहुँचने ही वाले हैं, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर। फ़िलहाल हम शॉप पर पहुँच ही चुके हैं,